भाई साहब रात के 9 बज गए हैं तो कहता सारे वधिया आपा भी वधिया। ये देखो ये टेंट है। फिलहाल मैं बता दूं आप लोगों को मैं हूँ कहाँ है भाई। हम भाई कौन से गए बालटाल में मैं खुद भूल गया कहाँ हूँ। बालटाल में हूँ मैं और आज मैं ट्रैक करके आया हूँ पूरा बाबा बर्फानी की गुफा से और बालटाल तक का। तो अभी पहुँचे थे, अभी मैं आप लोगों को यहाँ का मैं दिखाता हूँ कि क्या अकोमोडेशन है। हाँ बारिश आ गई कि भाई लंगर वगैरह के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को कितने लंगर। मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने जैसे देखा 100 लंगर से ज़्यादा तो लंगर है और टेंट वगैरह मिल जाते हैं आप लोगों को। एक बार बाहर ले जाके दिखाता हूँ। देखिए ये टेंट है, इस तरीके के टेंट मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पे। ये हमारे टेंट है सबके, ये एक लाइन में हमने ले लिए। इनका चार्ज के बारे में बात कर लूँ तो कोई कुछ बोलता है लेकिन अगर आप बार्गेनिंग करोगे ना तो आपको कम रेट में पड़ जाएगा। हमें पर हेड 250 रुपये पड़ा है, वैसे कोई 300 मांगता है कोई कुछ, मतलब बार्गेनिंग जरूर करनी आप लोगों को ठीक है। अगर किसी के पास टेंट लेने का भी बजट नहीं है तो यहाँ पे लंगर लगे हुए वो वहाँ पे रुक सकता है ठीक है। चलता हूँ आपको लंगर में, वहाँ दिखाता हूँ क्या क्या खाना पीना है, सारा मजे करो आप। आ गए हैं जी लंगर में, करते हैं शुरू दिखाना आपको। ये दूध खत्म होने वाला है, बारिश के कारण लेट हो गया। पहले दूध ही पी लेता हूँ वरना खत्म ना हो जाए। दूध पी ले पहले वरना खत्म होने वाला है। चलते हैं आपको अंदर लेके। खाना कहाँ है? इधर है। भाई ये ना डाल, दाल डाल दो। एक और दे दो। भाई जी थोड़ा और दे दोगे रहता नहीं अंकल। लो जी रोटी सब्जी दाल और रायता। दूसरे लंगर में फिर ले जाके दिखाऊंगा लेकिन उसमें कुछ खाऊंगा नहीं, लेकिन लंगर बहुत है, 100 से ज्यादा लंगर है। चलिए अब ले आता हूँ आपको लुधियाना वालों के लंगर में, यहाँ देखते हैं क्या क्या मिलता है खाने को। वैसे रात हो चुकी है और बारिश हो रही है, लेट में इसीलिए हुआ क्योंकि आज यात्रा की थी, फिर बारिश स्टार्ट होगी तो मैं आई निकल ही नहीं पाया, अभी कम हुई तो मैं आ गया। चलिए अब यहाँ को दिखाते हैं। ये देखिए चावल सब्जी दाल रायता रोटी सब मिल रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट लंगर में लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए चावल मटर पनीर दाल और बहुत बहुत मार। सर जी ये क्या है? आगे पता लगेगा। वैसे नाम तो बता दो सर। नाम तो ब्रेड का बना होता है। ब्रेड का जी सर। ये ले लिया जी हमने थोड़ा सा खाना, एक रोटी थोड़े से चावल और थोड़ी सी सब्जी और ये चमचम पता नहीं क्या बोल रहे थे, हम दोनों मिलके खा लेते हैं इसको। चल भाई कर शुरू। ये नाम पता नहीं मेरे को क्या, पर ब्रेड का बना है। श्रीखंड बोलते हैं शायद इसको। श्रीखंड पता नहीं। ये लंगर आ गया जी पंजाब वालों का, अब इसमें चलते हैं, दिखाता हूँ अंदर ले जाके। अंदर से ये कुछ इस तरीके का है, ये रोटियां बन रही है इधर। अरे बाप रे इसमें तो जबरदस्त भीड़ लगी हुई है। ये देखो किस तरीके से खाना खिला रहे हैं, मतलब जिस तरीके से शादी में खाना होता है। अब आप लोगों को इधर रोटियां होगी, आगे दिखाता हूँ क्या होगा। ये देखो इधर में क्या है। जय भोले जय भोले। ये गाजर का हलवा, चलो ये हलवा तो खाई लेते हैं। गाजर का हलवा 12 करा लो, 3 जने 12 करा लो, 4 चार चार दो जने एक कोटा तो मैंने गाजर का हलवा भी ले लिया, इधर दूध है वो मैंने पी लिया था।
और इधर रखी है बर्फी, मावे की बर्फियाँ। ठीक है, तो ये है जी अपना गाजर का हलवा। चलो हलवे को पहले निपटा देते हैं, फिर और कुछ दिखाते हैं आप लोगों को। पे आपको पान भी मिलेगा, कोई पान का शौकीन है तो ये देखिए। बारिश मीठा पान चले। यहाँ पे ना इतने सारे लंगर है कि मैं दिखाने को मतलब मैं पूरा दिन घूमूंगा ना, जब भी कवर नहीं कर पाऊंगा। इतने लंगर है, 100 से भी ज्यादा लंगर है। आपको यहाँ की मार्केट दिखा देता हूँ। रात हो गई है क्योंकि आज ट्रैकिंग करके आए थे ना तो थक गए थे, उसके बाद बारिश शुरू होगी, बाहर नहीं निकल पाया। बाकी ये कुछ बंद हो गई है मार्केट, ये यहाँ की मार्केट है। कितने सारे लंगर है, मैं एक चीज बताऊँ आप लोगों को, यहाँ पे रहने की और खाने की बहुत फैसिलिटी है। देखो अगर किसी का बजट नहीं है ना रहने के लिए, टेंट का चार्ज मैंने बता दिया, 200-250-300 रुपए तक यहाँ पे टेंट में एक बंदे का मिल जाता है। पर वो ज्यादा मांगे तो आपको बार्गेनिंग करनी है। फिर अगर किसी भाई का बजट नहीं है कि भाई मैं टेंट नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा, तो यहाँ पे लंगर में सोने की व्यवस्था हो जाती है। लंगर में बहुत लोग सोते हैं, रजाई वगैरह सब मिल जाती है उन लोगों को। रात के 10:30 बज चुके हैं। बाकी आपको यहाँ पे मार्केट वगैरह पूरी मिलेगी, कुछ भी चाहिए। वैसे तो आपको कुछ चाहिएगा नहीं क्योंकि सब कुछ लंगर में मिल जाता है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे लंगर में। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे लंगर आइसक्रीम से ले, मतलब जो आपके आपकी इच्छा करेगी ना वही मिलेगा आपको। अब सोच लो क्या ही होगा। ये टेंट दिखाई दे रहे ना आप लोगों को, इनका चार्ज बता रहा था मैं, जो चार्ज है 300 रुपए तक मैक्सिमम लेते हैं ये। अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो थोड़ा बहुत मतलब 500 रुपए ये कम कर सकते हैं। वैसे 300 भी ज्यादा नहीं है, अच्छी खासी रजाई देती है और टेंट भी अच्छा खासा होता है। अच्छा एक चीज और बताऊं, नहाने की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? नहाने के लिए आपको पानी की बाल्टी मिलेगी, गर्म पानी की, 50 रुपए की एक बाल्टी, तो उससे आप नहा सकते हैं। टॉयलेट इनका अलग अलग होता है, मतलब जैसे इनके 3-4 टेंट है ये, तो उनका सभी का 1 या 2 टॉयलेट ये बना देते हैं, टॉयलेट और बाथरूम। ये सामने देखिए, पीछे में उधर में ना पार्किंग है, पार्किंग एरिया है, वहां से अपनी अगर कोई अपने व्हीकल से है तो वहां गाड़ी खड़ी करके उसके बाद सीधे यहां से आए और यहां से एंट्री होगी आपकी चेक पोस्ट से। अंदर जाने के बाद ही मैं कहूंगा आप लोग टेंट लीजिए, बाहर मत लेना क्योंकि अंदर सेफ है। तो ठीक है गाइस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन बालताल को लेके, रहने की खाने की क्या क्या व्यवस्था है आप लोगों ने देख लिया। रात के 11 बजने वाले हैं, अभी मुझे जाके सोना भी है, पूरे दिन से थकावट हो चुकी थी। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में किसी ऐसे एडवेंचर के साथ, किसी के साथ नहीं बल्कि कल निकल रहा हूँ मैं सच पास के लिए, जो टोटल ऑफ रोडिंग है वो लोग जरूर देख रहा। ठीक है, जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन और प्यासे को पानी।